डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पूंजीवाद। इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है पूंजीवाद का उदय। व्यापारिक पूंजीवाद का उदय 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। 16वीं शताब्दी के शुरू में इसके लक्षण इंग्लैंड में दिखाई दिए। पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज और शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, व्यापार और वाणिज्य के विकास आदि के फलस्वरूप पूंजीवाद का तेजी से विकास हुआ। इंग्लैंड के पश्चात पूंजीवाद का विकास विश्व के अन्य देशों में भी हुआ। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। 1500 ईस्वी में वाणिज्यिक पूंजीवाद की जो नई व्यवस्था उभर कर सामने आई और उसमें जिन औजारों एवं साधनों से वस्तुओं का उत्पादन होता था उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता था और उत्पादन का उद्देश्य व्यक्तिगत मुनाफा कमाना होता था। जॉन लॉक ने पूंजीवाद को आर्थिक संगठन की संज्ञा दी है। इसमें मानव निर्मित तथा प्रकृति प्रदत्त पूंजी पर निजी स्वामित्व होता है जिसका निजी लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। परिभाषा, पूंजीवाद की अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। एम गोल्डमैन ने लिखा है कि किसी भी समुदाय को पूंजीवाद कहा जा सकता है यदि वह परंपरागत कृषि, शिकार एवं मछली पालन की व्यवस्था से ऊपर उठ गया हो और उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजीगत उपकरणों का प्रयोग कर रहा हो। जेई होवसन ने लिखा है कि पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियोजक या नियोजकों का कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर व्यवसाय का संगठन किया जाता है और वे अपनी संचित संपत्ति का उपयोग लाभ कमाने के उद्देश्य से परिवर्तित परिणाम में उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, उपकरण और श्रम खरीदने के लिए करते हैं। इस कार्य व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य निजी मुनाफा कमाना होता है। आगे प्रोफेसर ग्रेस ने लिखा है कि इतिहासकार के लिए पूंजीवाद पूंजी के निवेश अथवा प्रयोग द्वारा जीविका कमाने की एक व्यवस्था है। जर्मन विद्वान बर्नर सोमबर्ट ने लिखा है अपनी पुस्तक मॉडर्न कैपिटलिज्म में कि पूंजीवाद के विषय में परिभाषा देते हुए तीन पहलुओं पर जोर दिया है इन्होंने। नंबर एक है भावना, दो संगठन और तीसरा है तकनीकी पर अधिक बल देना। थैंक यू।